चलिए दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। दिल्ली में सिख दंगों से जुड़े मामले में दो लोगों को दोषी करार दिया गया है। 34 साल बाद अदालत ने ये फैसला दिया है। दो सिख युवकों की हत्या के मामले में दिया गया है दोषी करार। दिल्ली के महिपालपुर गांव में की थी दो सिखों की हत्या। इसके साथ ही एडिशनल सेशन जज अजय पांडे ने दिया है आरोपियों को दोषी करार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, नरेश सहरावत और यशपाल सिंह को हत्या का दोषी करार दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सिख दंगों का ये पूरा मामला है। जब दिल्ली में सिख दंगे हुए थे उस मामले में दो लोगों को दोषी करार दिया गया है और दिल्ली के महिपालपुर गांव में की थी सिखों की हत्या। आपको बता दें कि दो सिखों की हत्या की गई थी जिसके आरोप में अब दो लोगों को दोषी करार दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता सुचित्रा मुखर्जी। सुचित्रा, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, 1984 में जो सिख दंगे हुए थे उसमें आखिरकार फैसला जो है वो कल आया है, यानी कि 34 साल बाद इंसाफ मिला है। हालांकि अगर आदेश की बात करें कि क्या सजा यहाँ पर दी जाएगी, वो आज कोर्ट तय करेगी। ऑर्डर तकरीबन 4 बजे तक आएगा जिसमें उम्र कैद या फांसी की सजा हो सकती है, कम से कम उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा यहाँ पर हो सकती है। जो दो यहाँ पर लोग थे, नरेश और यशपाल सिंह, इन दोनों को यहाँ कोर्ट ने दोषी करार दिया है और कोर्ट ने पाया है कि इन्होंने हत्या करने, हत्या का प्रयास और डकैती का खतरनाक यहाँ पर जो जुर्म है वो किया है। तो इंसाफ काफी देर से मिला लेकिन आखिरकार इंसाफ मिला है। और दूसरी तरफ यहाँ पर बात करें तो ये जो तीन भाई थे, यानी कि अवतार सिंह, हरदेव सिंह और संगत सिंह, इन तीनों को जिंदा जला देने की यहाँ पर कोशिश की गई थी जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी, एक बच गए थे और उन्होंने ही कोर्ट में ये केस फाइल किया था। लगातार कोर्ट में केस चला लेकिन सबसे अहम बात इसमें ये रही कि एसआईटी जब गठित हुई मोदी सरकार ने यहाँ पर 2015 में की और उसी एसआईटी का ये असर रहा कि 3 साल में जल्द से जल्द ये जो है इंसाफ मिल गया। तो एसआईटी की बड़ी भूमिका मानी जा सकती है। कोर्ट की माने तो कोर्ट ने ये कहा कि अब तक चश्मदीद जो गवाह थे वो सामने नहीं आए थे, इसलिए इसमें किसी भी तरीके का जो फैसला है वो नहीं सुनाया जा पा रहा था। लेकिन आखिरकार एक बड़ा दिन था और आज देखना होगा कि कोर्ट क्या सजा देती है, उम्र कैद देती है या फिर फांसी की सजा सुनाती है। मोनिका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुचित्रा तमाम जानकारी के लिए।